नॉब्ले जेंडर इक्वेशन में कंप्लीट नहीं हुआ था वो पिछले जो वीडियोस बना रहे थे उसमें हम इक्वेशन नंबर 6 में आए थे cm m = 0 to infinite cm के माने थे हमने ये इक्वेशन नंबर 6 आया था इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हमने x की पावर k का कोएफिशिएंट इक्वेट किया था अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर k माइनस वन तो पुट m इक्वल टू वन पुट कर देंगे m इक्वल टू वन पुट कर देंगे इन सेकेंड पार्ट इस वाले पार्ट में इन इक्वेशन 6 का सेकेंड पार्ट में तो यहाँ पे हो जाएगा c1 k माइनस वन माइनस एन और k माइनस वन एन प्लस का वन बल से वन कैंसिल हो जाएगा और x की पावर k माइनस वन इसका कोफिशेंट हमको इक्वेट करना तो जाएगा c1 k माइनस वन माइनस एन एंड k प्लस एन इफ c1 इक्वल टू जीरो ये इसका कोफिशेंट हो जाएगा हाँ तो देखिएगा k प्लस एन इक्वल टू जीरो तो के इक्वल टू माइनस एन होगा एंड के माइनस वन माइनस एन इक्वल टू जीरो तो के इक्वल टू वन प्लस एन होगा ये तो नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि एन इज पॉजिटिव इंटीजर है एन इज पॉजिटिव इंटीजर देन के नॉट इक्वल टू जीरो के की कोई वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर चल रहा है इसलिए k वाला टर्म जीरो नहीं होगा सो c1 इक्वल टू जीरो इसलिए c1 का वैल्यू जीरो होगा ठीक है तो हम फिर से उसी क्वेश्चन पर जाते हैं आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर k माइनस एन जो इक्वेशन नंबर 6 था उससे x की पावर इक्वेशन नंबर 6 एक बार लिख दें एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम के माइनस एन के माइनस एम माइनस वन x की पावर k माइनस एन माइनस टू समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम के माइनस एम माइनस का एन एंड k माइनस एम प्लस एन प्लस का वन एक्स की पावर k माइनस एम प्लस जीरो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस का एम k माइनस x की पावर k माइनस एम का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे सेकंड पार्ट में तो बना ही है फर्स्ट पार्ट में बनाना है यानी m की जगह रख देंगे m की जगह m प्लस टू रख दिया जाए एम प्लस टू रखा है कि एम माइनस टू रखा है पुट एम की जगह एम माइनस का टू इन फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन 6 के ऑफ इक्वेशन सिक्स के फर्स्ट पार्ट में इतने में एम की जगह एम माइनस टू रख दिया तो सेकेंड पार्ट में एक्स की पावर एम माइनस बना ही है तो ये बन जाएगा सी एम माइनस टू के एम की जगह एम माइनस टू रखेंगे तो एम प्लस टू हो जाएगा के माइनस एम प्लस वन हो जाएगा एक्स की पावर के माइनस एम रहेगा यहाँ पे सी एम है के माइनस एम माइनस एन एंड के माइनस एम प्लस का वन एक्स की पावर के माइनस एम का टू एक्स पावर के माइनस एम का कोफिशिएंट से किया था एम माइनस का टू के माइनस एम प्लस टू के माइनस एम प्लस का वन माइनस सी एम के माइनस एम माइनस एन के माइनस एम प्लस का वन इक्वल टू जीरो ठीक है उसके बाद जो है इसमें जनरल इक्वेशन हम बना लेंगे तो जनरल इक्वेशन आएगी उसी से नेक्स्ट पार्ट बनेंगे यानी कि ये बना था सी एम माइनस टू के माइनस एम प्लस टू नीचे वाली लाइन नहीं देख रहे हैं उसको दोबारा ऊपर लिख दे रहे हैं एंड सी एम के माइनस एम माइनस एन एंड के माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो देन सी एम इक्वल टू बन जाएगा के माइनस एम प्लस का टू एंड के माइनस एम प्लस का वन के माइनस एम
and k minus n plus n plus 1 at c and minus 2. Equation number 7 is common ho jaye. Ab the question 6 mane thi 7 equation aa gaya. So ye humne nikal liya c mean general formula se aa gaya. Aur ab us do cases humne pichhe banaye the. Dekhega isse condition hone nikal jayegi, c1 hamara 0 aa chuka hai. यहाँ पे m इक्वल टू 1 रखेंगे, m इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे c1, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी m इक्वल टू 3 रखा जाए तो c3 इक्वल टू बनेगा k m माइनस 3 प्लस 2 k माइनस 3 प्लस 1 k माइनस 3 माइनस n एंड k माइनस 3 m प्लस का 1 एंड c 1 बन जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 1, C1 0 है तो नेक्स्ट लाइन में C3 भी 0 आ जाएगा, ऐसे C5 भी 0 आ जाएगा, C7 भी 0 आ जाएगा, यानी कि C1 बराबर C3 बराबर C5 बराबर C7, यानी कि ओड नंबर वाले सब 0 होते चले जाएंगे, ऑल ऑफ टर्म्स में 0 आते हैं। ठीक, अब जो हमने जो तो केस बनाए थे k इक्वल टू n और दो केसेस को ले लें, यानी केस फर्स्ट k इक्वल टू n पर k इक्वल टू n पर और दूसरा लेंगे k इक्वल टू माइनस n प्लस 1 पर। cm का हमारा फॉर्मूला था, cm का k माइनस का n प्लस 2 k माइनस n प्लस का 1, इक्वेशन नंबर 7 जो थी k माइनस का m माइनस का n एंड k माइनस m प्लस n प्लस का 1 cm माइनस 2, इसमें k इक्वल टू n पुट करते हैं, तो cm इक्वल टू हो जाएगा n माइनस n प्लस का 2 n माइनस n प्लस का 1 n माइनस एम माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू m रख देंगे, m माइनस एम n प्लस का 1 और c n माइनस 2, तो देखिएगा ये बना है हमारा माइनस एम बन रहा है एंड 2m माइनस m प्लस 1 बन रहा है, n माइनस एम प्लस 2 बन रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकाल देंगे, c इक्वल टू माइनस आ जाएगा, n माइनस एम प्लस का 2 n माइनस एम प्लस का 1 एंड m और ये शायद m था k इक्वल टू n, हाँ 2n माइनस m प्लस का 1 cm माइनस 2। अब केस फर्स्ट में k इक्वल टू m पे चल रहा है cm माइनस 2, और इसको इक्वेशन नंबर 8 मान सकते हैं, c1 बनी थी। अब भाई इसमें रख दिया जाए m इक्वल टू 2, 4, 6 इस तरह से रख दें, तो c2 अगर निकालते हैं n n माइनस का 1 2 2n माइनस का 1 एन सी नोट निकलेगा, c4 निकालेंगे n m इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस का 2 n माइनस का 3 अपॉन 4 2n माइनस का 3 एंड c2 आ जाएगा, यहाँ पे c2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस का n ये आ जाएगा, एन सी टू की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आ जाएगा एन एन माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एन माइनस का 2 एन माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू 4 टू एन माइनस 1 टू एन माइनस का 3 इंटू सी नॉट। जो जनरल सॉल्यूशन हमने माना था केस फर्स्ट में चल रहा है, जो सॉल्यूशन माना था हमने वो है सी नॉट एक्स पावर 0, उसका एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करने के बाद सॉल्यूशन आएगा सी टू एन माइनस 2 प्लस सी थ्री एक्स पावर एन माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। तो y इक्वल टू y सी नोट, सी नोट में हाँ तो सी नोट एक्स पावर n, सी नोट इक्वल टू 8 रीड कर दें भैया, या सी नोट ही रहने कोई दिक्कत नहीं, बाद में रख देंगे, सी नोट एक्स पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, एक्स पावर n है हाँ एक्स पावर n प्लस सी वन की वैल्यू पुट कर दें, सी वन 0 होगा, सी टू की वैल्यू रख देंगे n n माइनस का 1 2 2 n माइनस का 1 एंड सी नॉट सी सी टू हो गया, सी थ्री फिर 0 होगा, फिर सी फोर की वैल्यू रखेंगे, सी फोर की वैल्यू रखेंगे, सी फाइव फिर 0 होगा, इस तरह से ये वाई इक्वल टू आ जाएगा ए सी नॉट बाहर कॉमन निकालेंगे, एक्स पावर एन माइनस का एन एन माइनस का 1 2 2 एन माइनस का 1 एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन माइनस 2 था यहाँ पे छोड़ गया था एस डॉट 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 आस, ये केस फर्स्ट से वैल्यू निकल आएगा, इसके बाद हम केस सेकंड से निकालेंगे, कैसे भी में रखा जाएगा के इक्वल टू माइनस का एन प्लस 1। केस फर्स्ट में जो वैल्यू आया है वो आया है हमारा वाई इक्वल टू सी नॉट एक्स पावर एन माइनस एन एन माइनस का 1 2 2 एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस एन एन माइनस का 1 एन माइनस का 2 एन माइनस का 3
अपॉन 2 × 4 2n-1 2n-3 और x की पावर n-4 डॉट इस तरह से ये आया है फोर केस पर। ऐसे ही केस सीखने निकाल जाएगा k = -1 n + 1 पर। और उसके बाद